कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। बहू की साजिश। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है, तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन। अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपपति हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहाँ चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं, भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो, आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे, सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है, फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी हैं। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से, अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुँचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहुत तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन। अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है, बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताओ शीला, एक एक्सीडेंट में मेरी बहू की याददाश्त चली गई है, ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी,
मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।